देख रहे हैं कि आज हमने यहाँ 7 लोगों को, 7 अनएम्प्लॉयड यूथ को गाड़ियाँ दे दी हैं। इससे पहले 12 गाड़ियाँ ऑलरेडी दी गई है, तो इसका मतलब है आज तक 19 गाड़ियाँ दी गई हैं। तो ये प्रोग्राम इतने यहाँ ही रुकने वाला नहीं है, बल्कि इसको आगे भी बढ़ाते रहेंगे और फेजेज में हम चलाते रहेंगे, क्योंकि ये यहाँ ही नहीं है, पूरे हमारे जो यूनियन टेरिटरी J&K है, हर ज़िले में, हमारे जो 20 ज़िले हैं, 20 ज़िले का ये प्रोग्राम है, हर ज़िले में गाड़ियाँ दी जा रही है। और ये इसमें आपको पता है थोड़ा सा एक एक्सरसाइज होता है करना, क्योंकि अगर हमने पहले एप्लीकेशन फॉर्म जमा करने हैं, फिर उनके लोन केसेस सेंक्शन कराने हैं, और इसके साथ साथ सब्सिडी का पैसा भी जो गवर्नमेंट की तरफ से आता है वो दिलाना पड़ता है, तो नेचुरली इसमें थोड़ा सा प्रोसेस डाला जाता है। लेकिन ये हमारा एक रेगुलर प्रोसेस रहेगा, कंटिन्यूस प्रोसेस रहेगा। अगर जितने भी हमारे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर यहाँ एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे, हम उनको गाड़ियाँ आगे भी देते रहेंगे और ये प्रोग्राम चलता रहेगा। सर, स्कीम के बारे में बताएं कि स्कीम कौन सी है, उसके बारे में बताएं। आपको पता है कि हमारे जो यहाँ ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब है, उनका फर्स्ट एरिया है कि हमारी जो यूथ है उनको रोजगार मिले, उनको एम्प्लॉयमेंट मिले, उनको डिफरेंट किस्म की एम्प्लॉयमेंट सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट नौकरी नहीं होती है, बल्कि हमें एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए। हमें एक कोशिश करनी चाहिए कि हमें अपने नहीं बल्कि और 10 लोगों को अपने साथ मिला के और आगे बढ़ना चाहिए और काम करना चाहिए, ताकि एक अच्छी सी रोजगार जो स्कीम है, सिस्टम है, वो चलता जाए। क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि वाइट कॉलर जॉब हर एक बंदे को मिल जाए, तो इसलिए जो बाकी स्कीमें होती हैं, बाकी एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीमें हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की, उसमें हमारे ये प्रोसेस चालू रहेगा और आगे चलता रहेगा। ये जो स्कीम है ये मुमकिन स्कीम है, जिसमें हमने एंटरप्रेन्योर्स को, यूथ को गाड़ियाँ दे दी है, ताकि वो अपना रोजगार चला सके।